यूएस स्कूल बॉम्बिंग सन 2009 की एक ऐसी घटना जिसने पूरे दुनिया को हिलाकर रख दिया। आज इस घटना को बीते हुए करीब 2 दशक से ज़्यादा हो चुका है और इसके जस्ट बाद हुए भयानक 9/11 हमले के कारण आज यह हम लोगों के बीच बस एक धुंधली याद बनकर रह चुकी है। यहाँ तक कि इस हमले को 9/11 हमले के डिवेस्टेटिंग ट्रेलर के रूप में बताया जाता है। अगर हम रिपोर्ट्स की माने तो हमले के 4 महीने बाद ओसामा बिन लादेन के तरफ से एक स्टेटमेंट आई थी जिसमें उसने कहा कि अभी तक यूनाइटेड स्टेट्स ने इसके रिस्पांस में कोई हमला नहीं किया है, अगर वो हमला नहीं करेंगे तो हम इससे भी कुछ ज़्यादा बड़ा करेंगे। और उसने यह बात सही साबित कर दिखाई और उन्होंने कोल बॉम्बिंग के 1 वर्ष के अंदर ही भयानक 9/11 हमले को अंजाम दिया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यूएसएस कोल बॉम्बिंग और उसके कॉन्सिक्वेंसेज के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, मैं हूँ आदित्य चौधरी और स्वागत है आपका नेशनल अफेयर्स चैनल पर। हमारे वीडियोस से अपडेटेड रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं। नाउ बिफोर मूविंग टू द इंसिडेंट, हम थोड़ा यूएसएस कोल के बारे में जान लेते हैं। यूएसएस कोल एक आर्लबर्ग क्लास की इंटीग्रेटेड नवल वेपन से लैस गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है जिसे 8 जून 1996 को यूएस नेवी के नवल स्टेशन नॉरफोल्क पे कमीशन किया गया। नवल स्टेशन नॉरफोल्क यूएस नेवी के फ्लीट फोर्स कमांड का हेडक्वार्टर और होम पोर्ट है जो कि यूएस के साउथ ईस्टर्न स्टेट में लोकेटेड है। नाउ कमिंग टू द टॉपिक, 12 अक्टूबर 2000 को यूएसएस कोल ने अपने रूटीन रिफ्यूलिंग के लिए यमन के पोर्ट ऑफ एडन पे डॉक किया। 9:30 पे डॉकिंग कंप्लीट करने के बाद कोल की रिफ्यूलिंग 10:30 पे शुरू हो गई और बोर्ड पे जो सेलर्स थे वे अर्ली लंच के लिए कतार में लग गए। दोस्तों, आप यमन के पोर्ट ऑफ एडन को क्लियरली मैप में देख सकते हैं। उसी वक्त आतंकवादी संगठन अलकायदा के 2 सुसाइड बॉम्बर्स जो कि एक छोटे से फाइबर ग्लास बोट पे करीबन 300 केजी C4 एक्सप्लोजिव जो कि RDX की बनी होती है लोड करके पोर्ट साइड से यूएसएस कोल के समीप आते हैं और उसे वहीं एक्सप्लोड करा देते हैं। इस हमले में करीब 17 अमेरिकन सेलर्स की मृत्यु हो गई और 37 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। दोस्तों, अब आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि क्या यूएसएस कोल पे मौजूद सेलर्स और ऑफिसर्स को वो समीप आती हुई बोट नहीं दिखी, और अगर उन्होंने देखा भी तो उन्होंने कोई रिएक्ट क्यों नहीं किया। तो मैं आपको यह बता देना चाहता हूँ, अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ एंगेजमेंट ऑफ यूएस नेवी एनी सेलर्स और ऑफिसर कैन नॉट शूट अनटिल द शॉट। अगर कोई भी सेलर्स उन पर शूट आउट कर भी देता तो उन्हें कोर्ट मार्शल का सामना करना पड़ता। यूएसएस कोल पे मौजूद एक ऑफिसर के मुताबिक उन 2 फॉरिनर्स को मारना उन्हें उन 17 अमेरिकन सेलर्स के मृत्यु से ज़्यादा परेशानी में डाल देता। हमले के बाद घायल सेलर्स को यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी के लैंडस्टूल रीजनल मेडिकल सेंटर रामस्टेन के करीब जर्मनी ले जाया गया और यूएसएस कोल को हैवी लिफ्ट शिप MV मार्लिन पर लोड करके यूएस ले जाया गया। इसे यूएस में मिसिसिपी स्थित पास्कागोला शिपयार्ड में 13 दिसंबर 2000 को रिपेयर के लिए डॉक किया गया। फिर 14 सितंबर 2001 को यूएसएस कोल को रीबिल्ड करके वाटर में फिर से उतार दिया गया और फिर 20 अगस्त 2003 को यूएसएस कोल को फाइनली मैरीटाइम इंटर डायरेक्शन ऑपरेशन के प्रैक्टिस के लिए रीडिप्लॉयमेंट कर दिया गया। हमले के बाद यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा थॉरो इन्वेस्टिगेशन किया गया जिसमें कई मास्टरमाइंड्स के नाम उभर कर आए। अगर मैं इस वीडियो में उन सभी मास्टरमाइंड्स के नाम गिनूं तो लिटरली वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और करीबन बात करें तो हमने हर साल देखा है कि या तो यूनाइटेड स्टेट्स ने उन मास्टरमाइंड्स को बंदी बनाया है या तो उन्हें एयर ड्रोन स्ट्राइक से मार गिराया है। अगर हम रिसेंट स्ट्राइक की बात करें तो 1 जनवरी 2019 को अलकायदा के एक आतंकवादी जमाल अल बदवी जो कि मास्टरमाइंड में से एक था यूएस ने यमन के राजधानी सना के पास एयर स्ट्राइक में मार गिराया। यूएसएस कोल हमले के बाद जब एजेंसीज ने इन्वेस्टिगेट किया तो उन्हें सूडान गवर्नमेंट के इस हमले के पीछे होने का कुछ प्रमाण मिला। हमले के बाद विक्टिम्स के रिलेटिव ने यूएस स्टेट वर्जीनिया स्थित फेडरल कोर्ट में सूडान गवर्नमेंट के खिलाफ केस दर्ज किया। इन्वेस्टिगेशन के तहत यूनाइटेड स्टेट्स के फेडरल जज रॉबर्ट जी डॉमर ने 14 मार्च 2007 को सूडान के गवर्नमेंट को जिम्मेदार ठहराया। 25 जुलाई 2007 को डॉमर ने सूडानीज गवर्नमेंट को डायड सेलर्स के फैमिली को $8 मिलियन मुआवजा के तौर पर देने को कहा। इस प्रोसेस में बहुत ही लंबा समय लगा और फाइनली 13 फरवरी
2020 को सूडान के गवर्नमेंट ने यूएसएस कोल विक्टिम के फैमिली को मुआवजा देने को अनाउंस किया। साथ ही साथ सूडान की सरकार ने यह भी कहा कि वह इस घटना के पीछे जिम्मेदार नहीं थे, किंतु यूएस के स्टेट स्पॉन्सर्स ऑफ टेररिज्म लिस्ट से हटने और आपसी संबंध को इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने यह कदम उठाया। और लास्टली यह एग्रीमेंट लास्ट ईयर 3 अप्रैल 2020 को फाइनल हो गया। हमले में हुए शहीद सेलर्स के नाम 12 अक्टूबर 2001 को यूएस के वर्जीनिया स्थित नॉरफोल्क नेवल स्टेशन पे एक मेमोरियल समर्पित किया गया, जिसे आप फोटो में क्लियरली देख सकते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।